अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। जिस तरीके से मौसम विभाग ने बिहार को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है कि यास तूफान आने की पूरी तरीके से जो संभावना है, कई जिलों से सूचना अभी अभी मिल रही है कि काफ़ी तेज़ी के साथ जो हवा है वो तूफान है वो, और उसके साथ बारिश हो रही है। और अभी हम मौजूद हैं बिहार के सिवान ज़िले में। तस्वीर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो पेड़ पौधे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो बड़े बड़े जो पेड़ हैं उसके क्या कुछ हालात हैं, जो हवा है, हवा का रुख आप देख सकते हैं कि क्या कुछ आलम है। आपको बिल्कुल हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि हवा से जो पेड़ है वो बिल्कुल हिल रही है और हवा बहुत तेज़ है। और ऐसे में लग रहा है कि जिस तरीके से मौसम विभाग ने जो अलर्ट पे रखा हुआ था उसको लेकर के जो स्थितियां है वो बिल्कुल अब सामने आ रही है। इसीलिए हम दिखा रहे हैं कई इलाकों में जाकर अलग अलग की जो पेड़ है उस पेड़ के हवा से, उस पेड़ की टहनियां जिस तरीके से हिल रही है, ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि यास तूफान को लेकर के कितना अलर्ट होगा जो मौसम विभाग है या फिर जो प्रशासन है, किस तरीके से अलर्ट होगी। आपको बताते चले कि ताऊते तूफान के बाद से बिहार के मौसम विभाग ने हाई अलर्ट पर बिहार को रख दिया और उन्होंने कहा कि बंगाल की खाड़ी से जो यास तूफान है वहां से उसकी चक्रवाती जो तूफान है वहां से आने की संभावना है। काफ़ी तेज़ बारिश और तेज़ हवा के साथ तूफान आ सकते हैं और ऐसे में जिस तरीके के जो हालात दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल तस्वीरों में आप देख सकते हैं हवा का जो रुख है वो अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या कुछ स्थिति और क्या कुछ माहौल है। ऐसे में हम पहुंचे हुए हैं और बिल्कुल हमारे पीछे कई ऐसे पेड़ हैं जो आप देख सकते हैं कि काफ़ी तेज़ हवा है या फिर उसकी टहनियां हैं जो पेड़ की वो हिल रही है। तो ऐसे में बिल्कुल आपको बताते चले कि जिस तरीके से बिहार के मौसम विभाग ने अलर्ट पर रखा हुआ है पूरे बिहार को कि यास तूफान, अभी कोरोना जैसी महामारी से अभी हम लोग निकले नहीं हैं लेकिन यास तूफान जो है वो दिखाई दे रहा है और ऐसे में बंगाल की खाड़ी से यास तूफान वहाँ से निकला हुआ है। जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट किया हुआ है पूरे बिहार के प्रशासनिक के महकमे को, और ऐसे में तमाम लोगों से गुजारिश होगी, अपील होगी कि आप लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें। कहा जा रहा है कि 26 जो मई होगा उस दिन से लगातार 3-4 दिनों तक तेज़ बारिश और हवा होगी और ऐसे में आज से ही उसकी जो भनक है वो दिखाई देने लग रही है। तो लगातार आपको हम बताते चले कि यास तूफान को लेकर के बिहार पूरी तरीके से हाई अलर्ट पे। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी राजा गुप्ता, इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ आलम है। जो अभी देखा जा रहा है कि अभी से ही पेड़ जो है टहनियाँ काफ़ी हिल रही हैं, हवा तेज़ चलनी शुरू हो गई। देखिए, ये ताऊते तूफान के बाद बंगाल की खाड़ी से जो उठी है इसका असर तो बिहार में अब देखने का मिल रहा है। हालांकि हमारे मौसम विभाग ने भी अलर्ट किया है कि इसमें सभी लोगों को सुरक्षित रहना ज़रूरी है। जब भी बारिश आए या आंधी तूफान आए तो कभी भी किसी बढ़िया मतलब कि सुरक्षित जगह पर तुरंत ही जा कर के अपने आप को सुरक्षित पहले करें। सभी लोगों से हमारी भी अपील रहेगी, हालांकि आज से असर दिखना शुरुआत हो चुका है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट कर दिया है कि बिल्कुल आप लोग सुरक्षित रहें क्योंकि ताऊते के बाद से अब यास की बारी आ गई है। जी जी, ताऊते के बाद से अब बंगाल की खाड़ी से जो उठा है बिहार में भी इसका असर अब देखने को मिल रहा है। आज तमाम लोगों से हम अपील करेंगे, गुजारिश करेंगे कि सभी लोग अपने अपने आप को सुरक्षित रखें। हालांकि 3-4 दिन कहीं इधर उधर मतलब खतरनाक जगह, जो भी डेंजरस जगह है वहाँ पर ना जाएं, खतरे के रिस्क ना लें। तो बिल्कुल आपने देखा कि राजा गुप्ता हैं जो हमारे सहयोगी हैं और इनसे बातचीत हुई कि जिस तरीके से सिवान में तेज़ हवा चलने लगी है उसके बाद से ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि सरकार ने जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट पे रखा हुआ है पूरे बिहार को, तो कृपया आप लोग भी संभल कर रहें क्योंकि यास तूफान जो है यह काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। बताया जा रहा है कि बंगाल के तरफ से खाड़ी से वो निकल करके और चल रहा है और सीमांचल के कुछ इलाके हैं वहाँ पर ज़्यादा खतरा होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। ऐसे में तमाम बिहार के सभी दर्शकों से अपील होगी कि आप लोग बिल्कुल सुरक्षित रखेंगे, लेकिन यह एक चीज़ है कि अभी कोरोना काल से हम लोग निकले नहीं हैं, लॉकडाउन भी चल रहा है, ऐसे में यास तूफान कितना नुकसान पहुँचाएगा और उससे निपटने के लिए बिहार सरकार की क्या कुछ तैयारियाँ हैं, यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। चंदन कुमार, सिवान। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने, सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान।
न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सोनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने, सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। बंगाल की मशहूर मिठाई के साथ अब आपके शहर सिवान में खुल गया है कुमार स्वीट्स, हॉस्पिटल रोड सिवान। गुड़ का बंगाली रसगुल्ला, संदेश, मिष्टी दोई, मलाई चमचम, केसर रसमलाई, 2-in-1 स्पंज के साथ और भी कई बंगाल की प्रसिद्ध मिठाइयाँ उपलब्ध हैं। साथ ही कुमार मस्त जायका, जहाँ स्वादिष्ट चाट, छोले भटूरे, पाव भाजी, रोल, चौमिन, बर्गर, समोसा इत्यादि भी मिलता है। डॉक्टर्स कॉलोनी, राजीव नगर, पकड़ी मोड़, गौशाला रोड, सिवान। शादी विवाह के शुभ अवसर पर ऑर्डर भी लिया जाता है। तो याद रखें, कुमार स्वीट्स एंड कुमार मस्त जायका, सिवान। मोबाइल नंबर 9431216851, 7352735621। मैं नहीं, मेरा काम बोलता है। कॉमर्स बाय विशाल सर। 12th का न्यू बैच स्टार्ट एंड बीकॉम का न्यू बैच स्टार्ट। जो स्टूडेंट 11th नहीं पढ़े हैं या कमज़ोर है, तो उन्हें कॉमर्स के बेसिक पढ़ाकर 12th का सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, EPS चारों विषय की समय से सिलेबस पूरी कराई जाएगी। सिवान की एकमात्र ऐसी संस्था जहाँ लिसन बाय लिसन ऑब्जेक्टिव नोट्स दिया जाएगा। वीकली टेस्ट की है व्यवस्था, एक लेसन के पूरा होने पर टेस्ट की है व्यवस्था, संडे को एक्स्ट्रा क्लासेज, कमजोर स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लासेज की व्यवस्था। पता, रामराज्य मोड़, हनुमान चाय दुकान के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9708941038। बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर खुल गया लाइटिंग की दुनिया का बेताज बादशाह आरजेड इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान। आरजेड इलेक्ट्रिकल्स लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनों में झूमर, वॉल लाइट, फैंसी लाइट, वायरिंग मटेरियल्स, पंखा और कूलर। अपने मकान या दुकान या शोरूम को सजाना हो तो आज ही चले आरजेड इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान, क्योंकि इससे किफायती दरों पर कहीं भी आपको झूमर और लाइट नहीं मिलेंगे। हमारा मोबाइल नंबर है 7543586786, 7903116614। प्रोप्राइटर मोहम्मद अरशद हुसैन। सिवान में 24 घंटा इमरजेंसी सेवा देने वाला एकमात्र शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान, जहां PMCH पटना से आए नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आमिर अहमद द्वारा बच्चों का किया जा रहा बेहतर इलाज। हमारे यहां 18 वर्ष अर्थात शिशु से किशोर अवस्था तक का इलाज, अत्याधुनिक एयर कंडीशन, NICU और PICU, बड़े बच्चों का ICU, जनरल वार्ड एंड प्राइवेट रूम, बच्चों के दिमाग संबंधित सभी प्रकार के दर्द रहित टीकाकरण की सुविधा, अत्याधुनिक वेंटिलेटर, HFNC, CPAP, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, ABC, नेबलाइजेशन, रेडिएंट वार्मर, इंक्यूबेटर, LED फोटोग्राफी, मल्टी पारा मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा। नवजात बच्चों के इलाज हेतु आज ही चलें शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान। संपर्क सूत्र 9523305033, 7561919462। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास, तो उनका नामांकन कराइए सुफिया पब्लिक स्कूल में, अफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। 10+2 तक कम खर्च में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9155994999। इसमें नामांकन जारी है सुफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। एडमिशन फ्री फॉर गर्ल्स। हम संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। हम है सुफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान।